मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नगर सेवक विजय पाटिल ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि नगर सेवक ने अपने करीब 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता नाने उर्फ बाबू बाधवा की जमकर पिटाई की है। ये पूरा मामला उल्लासनगर कैंप 5 का बताया जा रहा है। बाबू बाधवा की पिटाई की वजह से तबीयत बिगड़ गई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं बीजेपी समर्थक हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे और आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में विजय पाटिल सहित करीब 5 से 6 लोगों के खिलाफ 324, 323, 504, 506, 143, 147, 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज उल्लासनगर 5 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बाबू आदवा के ऊपर विजू पाटिल वहाँ के नगर सेवक और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही घिनौना कार्य किया है। उनको मारपीट की है बिगर मतलब के। जब एक बाज़ार के अंदर व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, कोई हाथ गाड़ी वाले वहाँ पर हाथ गाड़ियाँ लगा रहे हैं और एक कार्यकर्ता ने व्यापारियों के साथ मिलकर उस हाथ गाड़ी को हटाने का निर्णय किया और उस हाथ गाड़ी को उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा हटाया। जब उल्लासनगर महानगर पालिका का कोई कर्मचारी हाथ गाड़ी को हटाता है, उसके बाद विजू पाटिल आकर के उस कार्यकर्ता को मारता है। ये कैसी स्थिति चल रही है उल्लासनगर के अंदर में। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है। सत्ता में बैठी हुई शिवसेना पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में निष्फल हुई है। मैं यहाँ पर आज हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी यही उम्मीद है कि जिसने भी इस प्रकार की हरकत की है, एक कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उसका खून बहा है, उसे टाके लगे हैं, वो अभी ICU में एडमिट है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सही तरीके से धाराएं लगनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में हैं और अगर आज पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो व्यापारियों में डर का माहौल 5 नंबर में लगा हुआ है। व्यापारी घबराए हुए हैं। व्यापारियों को भी गाली गलौज किया गया है कि कौन होता है यहाँ से हाथ गाड़ी हटाने वाला। इस प्रकार अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई लेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। इस विषय में ही व्यापारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कल 6 बजे से 8 बजे तक उसी स्थान पर, उसी चौक पर जहां पर यह घटना घटित हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापारियों से मिलेंगे और धरना आंदोलन करेंगे ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरलुंड जी ज़्यादा जानकारी इस विषय में देंगे, स्थान कौन सा निश्चित होता है और कहां पर यह कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर के सभी व्यापारी जिनके अंदर डर का माहौल है वहां पर आएं और हम उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी यहां पर दादागिरी करने वाला हो, उसकी दादागिरी को रोका जाएगा और कानूनन कार्रवाई करने के लिए पुलिस को हम यहां पर बाध्य करेंगे कि कितना भी बड़ा हो, अपने घर में बड़ा होगा, कितना भी बड़ा गुंडा हो, लेकिन उनके ऊपर वही धाराएं लगेगी जो एक आम नागरिक के ऊपर लगती हैं। म्हणणं असं आहे की रस्त्यावरचं भांडण आहे हातगाडी किंवा सायकल, आणि त्यामध्ये भांडण सोडत असताना, रस्त्यावरचं भांडण सोडत असताना, ते सोडवताना त्याचं जर भांडवल करून भारतीय जनता पार्टी या पोलीस स्टेशनवर येऊन पोलिसांवर प्रेशर आणून आमचे नगरसेवक स्थायी समितीचे माजी सभापती यांच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि 307 गुन्हा दाखल करा अशा पद्धतीची जर दबाव यंत्रणा वापरत असेल, खोटं बोल पण रेटून बोल ही पद्धत भारतीय जनता पार्टीने सुरू केलेली आहे। भारतीय जनता पार्टीचं हे महाराष्ट्रभर चाललेलं नवटंकी आहे। त्या भारतीय जनता पार्टीने जे काय सत्यता आहे ती सत्यता सांगावी, सत्यतेप्रमाणे पोलीस काम करतील। या महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायद्याचं राज्य आहे आणि कायद्याप्रमाणे पोलीस काम करतील, पण कोणालाही चुकीचं आणि खोटं बोलून फसवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर ते चुकीचं आहे। सोशल मीडियावरती यांच्या आरडाओरडीचे फोटो बघितले, व्हिडिओ बघितले, तेव्हा मला कळलं की विजय पाटील यांना अटक करा, स्थायी समिती सभापती माझी, आणि नंतर चौकशी केली तर माहीत पडलं की रस्त्यावरचं भांडण, हातगाडी रस्त्यावर लावलेली, जाताना येणाऱ्या जाणाऱ्याला त्रास होतो, गाडी जाताना बाजूला करायला सांगितलं, त्याच्यावर काहीतरी वाद झाला, त्याने बाचाबाजी झाली आणि मग असे काय प्रकार त्याला रंग दिला की भाजपच्या याला मारहाण केली। आता शहर प्रमुखांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्या महाराष्ट्रभर अशाच प्रकारची नौटंकी चाललेली आहे, म्हणजे काखेतलं काढायचं, बाजारात मांडायचं आणि नको ते आरोप लोकांवर करायचं, त्यातलाच हा प्रकार आहे।
परंतु पोलिसांचं हे महाराष्ट्र राज्यातले पोलीस आहेत, कुणालाही पाठीशी घालणार नाहीत किंवा कुणाच्या दडपणाखाली येणार नाहीत. किती ओरडलं तरी चुकीचं करणार नाहीत याला याची खात्री आहे. आमचा पोलीस यंत्रणेवर विश्वास आहे. ते सत्य शोधन करतील आणि त्यानुसार कारवाई करतील. नको त्या कोणाला अटक करा म्हणून अटक करणार नाही किंवा कोणी सांगितलं नका करू म्हणून सुद्धा करणार नाही. पण जे असेल खरं असेल तेच होईल. असं बोंबा मारून ओरडून ते काही साध्य होणार नाही. ही त्यांची सवयच आता झालेली ती आणि सर्व प्रशासकीय यंत्रणा असेल आणि लोकांनाही ती आंघोळणी पडलेली माहीत पडलेली.